नरक भरी जिंदगी जीने को मजबूर है वार्ड नंबर 7 के निवासी। खाली प्लाटों में खड़ा गंदा पानी फैला रहा है बीमारियां। इलाके में गैस्ट्रो का खतरा बरकरार। लुधियाना के वार्ड नंबर 7 के अधीन आती करमसन कॉलोनी के निवासी नरक भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। इस कॉलोनी में गंदगी की भरमार इस कदर है कि बीमारियों को न्योता दे रही है। आज मोहल्ले के गुस्साए लोगों ने प्रशासन व इलाका पार्षद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इलाके के लोगों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि उनके इलाके में एक खाली प्लाट पड़ा है जिसके फलस्वरूप गंदा पानी जमा हो रहा है, वहीं उसके कारण खुलेआम बीमारियां फैल रही हैं। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि इस ओर ना तो पार्षद की नजर पड़ी है और ना ही नगर निगम अधिकारियों की नजर पड़ रही है। उन्होंने नगर निगम से अपील करते हुए कहा कि वह इस ओर ध्यान दें ताकि इलाके में गैस्ट्रो और डेंगू जैसी बीमारियां और पाँव ना फैला सकें। दूसरी तरफ जब इस संबंधी इलाका पार्षद गुरप्रीत सिंह गोरा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि वह अभी व्यस्त हैं तथा बाद में बात करेंगे। साढ़े करमसर कलोनी में एक प्लाट पाया, लवारस प्लाट है, पता नहीं 6 नंबर वार्ड जाता, पता नहीं 7 नंबर वार्ड जाता। 6 नंबर वार्ड के प्रधान को जाने कौंसलर को, कहता साढ़े अंडर नहीं आता। 7 नंबर वाले को जाने, वह कहता साढ़े अंडर नहीं आता। महल वाले यह नहीं पता लगता कि असं कि कोल जाइए। इतने इन्नी ज्यादा दिक्कत है, बरसात का पानी खड़ा होंगे, लोगों का बीमारियों नाल बुरा हाल है, और ना ही प्रशासन ये कोई ख्याल दे रहा, ना ही कोई कौंसलर दे रहा, ना ही MLA दे रहा। गर्मी का समा है, मच्छर इन्ना ज्यादा इतने, और यह नहीं पता लगता डॉक्टर के, चलो गांधी बड़ी हुई है उन्होंने पैसों नाल होंगे, पर कौंसलर ये पूरा ख्याल देना चाहिए या प्रशासन को ख्याल देना करना चाहिए। कारपोरेशन वाला भी इतने कोई नहीं आके वड़ता, जो कोई कहता भी है खाना पूर्ति करके जाते हैं, अपने जेडे सीवरेज है खोल देंगे, पर पानी जरा गटर का सारा ये जाता प्लाट च। आने वाले समय में डेंगू का काफी ज्यादा खतरा, प्रशासन तो साड़ी यही मांग है कि इसे जल्दी से जल्दी साफ किया जाए। जागती लहर से जसवीर जसी के साथ विपिन जौहर की रिपोर्ट।